बंद कर देंगे, उस पर हम ऐसे केस लगाएंगे कि वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसके भविष्य को हम खराब कर देंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लाख रुपए ऑनलाइन डालें, आप 5 लाख रुपए ऑनलाइन डालें। मैंने उनसे पूछा। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। आज माननीय हमारे भागीरथ जी चौधरी जो सांसद महोदय हैं, आज उनका नामांकन का आज आम सभा की रैली वो थी, उसमें मैं समस्त कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रही थी कि भाई सभी को साथ चलना है और उसी की तैयारी में हम लोग थे। इस बीच में अचानक मुझे एक व्हाट्सअप कॉल आती है और उस व्हाट्सअप कॉल में मुझे मेरे बेटे और उसके साथ उसके 3 दोस्तों को पकड़ने की खबर मिलती है कि हमने आपके बेटे को पकड़ा है और इसके साथ इसके 3 दोस्त भी हैं। और पास में ही 2-3 बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और वहाँ कहते हैं मम्मी हमको पकड़ लिया है, मम्मी बचाओ, ये बहुत मार रहे हैं और मारने की पीटने की आवाज़ें बोलते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे बात करी अचानक मेरे भी पैरों के तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को बाहर उनका भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं और इस उम्मीद में भेजते हैं कि बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा, पर अचानक से अगर ऐसे फ्रॉड कॉल आ जाते हैं तो उस वक्त हमारे सोच के परे हम चले जाते हैं कि क्योंकि हमने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर अचानक से इस तरीके से कॉल आ जाना, हम पूरा एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं माँ भी हूँ, तो बहुत हिल जाते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को लेके मैंने उन्होंने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश करी कि आपके बेटे ने ऐसे किया है, उसे हम अंदर बंद कर देंगे, उसको हम 10 साल के लिए अंदर बंद कर देंगे, उस पर हम ऐसे केस लगाएंगे कि वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसके भविष्य को हम खराब कर देंगे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 5 लाख रुपये ऑनलाइन डालें, आप 5 लाख रुपए ऑनलाइन डालें। मैंने उनसे पूछा आप कौन से चौकी से बोल रहे हैं, आप कौन से थाने से बोल रहे हैं, कृपया संबंधित थाने चौकी का आप बताएं, पर उन्होंने कहीं भी ना चौकी का बताया ना थाने का बताया। मैंने कहा मेरे बच्चे से आप बात कर रहे हैं, तो ना उन्होंने मेरे बच्चे से उन्होंने मुझे बात करवाई। और लगातार हमको पुशअप किया गया कि नहीं आप हमको पैसे डालें, आप हम आपके बच्चे को फंसा देंगे। एक ही व्हाट्सअप कॉल आया जिसमें मैंने लगभग उनसे 4 से 5 मिनट की मेरी लंबी बातचीत हुई। इसी बीच मैंने दूसरे कॉल से, क्योंकि उस वक्त मैंने अपने आप को आत्मसंयमित रखा और मैंने कहा एक अलग कॉल मतलब फ़ोन से मैंने अपने बच्चे से बात करी और बच्चे ने जब मुझे बताया कि मम्मी मैं कॉलेज में सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ओके हूँ, मैं यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ, फिर मैंने बात करते करते ही वापस उससे बात करी और बात करके उनको मैंने कहा कि ये जो तुम फ्रॉड कॉल करके इस तरह से पेरेंट्स को फंसाते हो, जो फ्रॉड के पैसे लेते हो, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और आगे हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई जाएगी, ताकि भविष्य में आने वाले, देखो हर बच्चा बाहर जाता है, 12 पास आउट होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो उन माता पिताओं के साथ इस प्रकार का फ्रॉड ना हो, वो माता पिता किसी दबाव में ना आए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पेरेंट्स दबाव में आ जाते हैं और तुरंत एक्शन लेके पैसे का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मैं आप सभी मतलब माता पिता से, सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके पास इस तरीके के कॉल आएँ या फ़ोन आएँ, तो आप पहले अपने बच्चे से संपर्क करें, संपर्क करने के बाद जब उससे बात हो जाए तो आप संतुष्टि लें, नहीं तो उसके मित्रों से बात करें, उसके दोस्तों से बात करें, और उससे भी बात नहीं होती है तो कॉलेज में जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ बात करें, और वहाँ भी बात नहीं होती है तो अपने परिवार को पहले बात बताएं, परिवार को बात बताने के बाद संपूर्ण जानकारी लेने के बाद में संबंधित थाने पे आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके ही बाद जो भी इंक्वायरी करनी है वो आगे करें। क्या आपने पेमेंट वगैरह भी किया था क्या कुछ? नहीं सर, मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैंने बच्चे से बात कर ली थी तुरंत, हैंड टू मैंने फ़ोन लगाया था बच्चे से और बच्चे ने कहा मम्मी मैं क्लास में हूँ और सुरक्षित हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चा कॉलेज में है बाहर, वो आउट ऑफ राजस्थान है, कॉलेज में बाहर पढ़ाई करते हैं बच्चे। मतलब पुलिस क्या क्या मतलब बात कर रहे थे वो लोग? हाँ बिल्कुल, मुझे पुलिस का ही उन्होंने बोला कि हम थाने से बोल रहे हैं और हमने आपके बच्चे को और उसके साथ 3 दोस्तों को पकड़ा है और आपके बच्चे ने मतलब अनगिनत केस लगाने की, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा किया, हम उसको उसमें फंसा देंगे, हम उसको उसमें फंसा देंगे। इसकी शिकायत दी आपने थाने पे? बिल्कुल, हम संबंधित थाने पे अभी जाके शिकायत दर्ज कराएंगे। गंज थाना। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ पहले एक माँ भी हूँ, और जब एक माँ के पास कॉल आता है तो माँ चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे हर परिस्थिति से वो लड़ लेगी, पर जहाँ बच्चों की बात आती है तो जब ये कॉल मेरे पास आया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बच्चों को हम बड़े पालते हैं, पोसते हैं और बड़े लाड़ प्यार से करते हैं। बच्चे को बंधक बनाने का
बिल्कुल हाँ, उन्होंने बंधक बनाया और उसके साथ तीन दोस्तों का भी उन्होंने बोला जिक्र किया कि भाई तीन दोस्त और भी हैं, पर हमने आप ही के बच्चे को थोड़ा इनोसेंट लगा तो हमने इसीलिए आपको कॉल किया है और इसको देखते हुए हमने आपके नंबर और समझदारी से काम करके बच्चे को फोन कर दिया था। बिल्कुल, मैंने इधर बातचीत चली रही थी, दूसरे कॉल से मैंने तुरंत मैंने अपने बच्चे से बात करी। इवन उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे हस्बैंड का नाम लिया। मतलब आप एक फ्रॉड कॉल आता है पर कोई आपका नाम नहीं जान पाता, पर फिर भी उन्होंने मेरा नाम बोला, मेरे हस्बैंड का नाम बोला, तो एक मिनट के लिए तो एक सेकंड के लिए तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि क्या वेरी रियल है या क्या है, क्योंकि मुझे मेरे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है और पूरे अच्छे संस्कार दिए हुए बच्चों के। बच्चे का नाम रुद्रांश।